अज बठिंडा के अंबेडकर पार्क के सामने पी आर टी सी के पनबस के कॉन्ट्रैक्ट वर्करों वालों किया गया नवीं पाई जा रही किलोमीटर स्कीम बसों का विरोध और की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज बठिंडा के अंबेडकर पार्क के सामने पी आर टी सी के पनबस के कच्चे कर्मचारियों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो सरकार वालों साढ़े ना बड़े बड़े वादे किए उस कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया ते नाल जो किलोमीटर स्कीम बसा पाउन जा रही है उस दे नाल जिथे सरकार का भी इतने काफ़ी नुकसान होगा इस संबंधी असी सारी मैनेजमेंट नूं ते सरकार नूं इस संबंधी सारा कुछ असी दस दिता है कि इस दे आपां नूं की लाभ ने ते की हानियां ने, इसलिए असी इन्हां दा पूर्ण तौर पर विरोध करते हैं। तो अज उन्हां वल्लों बठिंडा के एक निजी होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी मेरा नाम कुलवंत सिंह है, मैं पनबस पी आर टी सी कंडक्ट वर्कर यूनियन पंजाब का सूबा मीत प्रधान हाँ। तो अज असी बठिंडा विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा रहे हैं जिहड़ी कि सरकार के मैनेजमेंट के खिलाफ असी आपकी जो भड़ास करना चाहते हैं मीडिया के जरिए उसके तहत जो साडा पंजाब सरकार का जो मुख्यमंत्री उन्होंने साडे नाल वड्डे वड्डे वादे करके सत्ता दे विच आए सी पर वो किसी भी वादे ते पूरे नहीं उतर रहे। तो साडे विभाग दे विच सब तो पहला किलोमीटर बसों का जो कुहाड़ा लैके आ रहे हैं उसका असी विरोध करते हाँ। तो साडे विभाग दे विच जो किलोमीटर बसा 1995 तो लैके पाई जा रही ने इस बार फिर उन्होंने बसों का जो टेंडर पूरा हो गया है तो असी उन्होंने बसों का टेंडर अगे नवा पैन दे विच विरोध कर रहे हैं। उही बसा जिहड़ियां 8 रुपए पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से उन्हों का खर्चा पैंदा है, एक बस लगभग 500 किलोमीटर रोज़ करती है तो महीने के वो 15,000 किलोमीटर के हिसाब नाल साढ़े तो 1,20,000 रुपया एक महीने का लैके जाती है। तो एक 5 सालों के 70-75 लाख रुपया लैके उस तो बाद बस मालक की हो जाती है। तो साढ़े विभाग में बहुत वड्डे पद्धर से चूना लगता है, इसका कि असी अंकड़े कढ़ के मैनेजमेंट को दे भी चुके हैं कि जेकर असी आपके विभाग के आपकी बस पाने तो वह बस की लगभग 45-50 हज़ार एक महीने की किश्त होएगी। तो इन्ने पैसों के जिन्ने पैसों के 1 किलोमीटर बस असी दे रहे हैं मालक किराए के रूप से उन्ने पैसों के असी 3 बसा आपदी लैके उन्होंने किश्तां उतार के वह बसों तो 15 साल तक विभाग के काम लै सकते हैं, जिस दे लई असी सरकार नूं यह अंकड़े कढ़ के दे चुके हैं। पर साडी मैनेजमेंट सरकार दे नाल रल के यह बहाना ला के कि साडे कोल पैसे नहीं है तो वह किलोमीटर बसा पा के कारपोरेट जो लोग ने वड्डे लोग ने किलोमीटर बसा के मालक ने वो कोई आम लोग नहीं, वो वड्डे वड्डे ट्रांसपोर्टर ने उन्होंने बसा पवा के साडे विभाग ने एक बार फिर खोरा लाना चाहते हैं, जिसका कि पनबस पी आर टी सी जथेबंदी पूर्ण तौर पर विरोध कर दी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह सोढ़ी, मैं पनबस पी आर टी सी कंट्रैक्ट यूनियन का सूबा दफ्तरी सकत्र हाँ। असी जे सा महकमे पिछले लंबे समय तो कॉन्ट्रैक्ट से आउटसोर्सिंग दो पाड़े बना के इन्हां वर्कर भर्ती किए असी, उस तो बाद जो ही आप सरकार आई इन्हें साडे नाल वादा किया कि जो भी असी सरकार साडी सत्ता जाऊगी असी जी आउटसोर्सिंग की भर्ती बंद करके सीधा रेगुलर भर्ती की जाऊगी कॉन्ट्रैक्ट से। कई आप सरकार दूजिया सरकार वांगू अपने वादे भज रही है, जिवें पहला पी आर टी सी इन्हां एक बहुत ही धोखेधड़ी के पी आर टी सी भर्ती करके हुण उसदे ही उसे तहत यह रोडवे भर्ती कर रहे हैं, जिंदा साडी जथेबंदी सख्त विरोध कर रही है क्योंकि जिहड़ी भर्ती है ये आउटसोर्सिंग भर्ती करके ठेकेदार के थ्रू घट तनखावे 98-98 सौ रुपए के बंद भर्ती करके उन्होंने तो मोटिया रिश्वत लैके, क्योंकि जी भर्ती ना तो इन्हें कोई मैरिट बनाई गई है तो ना ही कोई इन्हें पूरे उनके रूल फॉलो किए गए, सिर्फ एक पैसे कट्ठे करने ठेकेदार से मैनेजमेंट पैसे कट्ठे कर रही है, जिंदा असं विरोध करें क्योंकि असं पिछले 10-15 सालों काम कर रहे हैं, सरकार सानू ना तो कोई रेगुलर कर रही है तो ना ही कोई साड़ी पॉलिसी बना रही है, असं इनका विरोध करते जी भर्ती आ रही है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं पंजाब रोडवे पनबस पी आर टी सी कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन का सूबा ज्वाइंट सकत्र है। असी अज साढ़े कुछ मुलाजम बहुत सारे मुलाजम जिहड़े है मारू कंडीशन ला के पिछले लंबे समय तो नौकरी तो कढ़ दिते गए है। इत्थे मैं दसना चाहना कि विभाग के विच एक पासे पक्के मुलाजम काम करते हैं दूजे पासे कच्चे मुलाजम काम करते हैं, पक्के मुलाजम जेकर कोई कोताही करते हैं जां कोई किसी तरह की उन्हां दी रिपोर्ट हो जाती है उन्हां दी विभागी जिहड़ी जांच है इनकुआरी है वह लगती है, इनकुआरी तो बाद उन्हां नूं ड्यूटी तों बहाल कर दिता जांदा है। इसके उल्टी जिहड़े साडे कंट्रैक्ट दे कारमे है जिन्हां नूं 18-7-2014 तों मारू कंडीशनां लिया के साडे अधिकारियां ने उन्हां नूं नौकरियां तों लांभे कर दिता, जिन्हां नूं 10-10 साल हो गए आ किसी भी समय सरकार जिहड़ी है विचार नहीं रही है, इन्हां दे नाल उन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान हो रहा है।
उन्होंने परिवार आ जोड़े वो टुट रहे हैं, रिश्ते जोड़े टुट रहे हैं, इस करके उन्होंने बच्चों का भविख भी है वो बहुत धुंधला है। असी सरकार तो मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जोड़े अपील रिजैक्ट वाले मुलाजम है जोड़े कंडीशन ला के मुलाजम क्ढे है उन्होंने तुरंत सरकार बहाल करे, नहीं तो इस मजबूर न सानू जथेबंदी कोई व्डे संघर्ष है जोड़े वो लिखने पैणगे। धन्यवाद। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਪਨਵਾਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।